सो हे गाइस, मैं आ चुका हूँ डोरेमोन के एक मिस्टीरियस एंड बहुत ही डार्क एपिसोड को लेकर, जो कि आज टीवी पर शायद ही एक या दो बार टेलीकास्ट किया गया होगा, फिर इसके बाद इसे बैन कर दिया गया। तो यार क्या है वो एपिसोड, देखने से पहले यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करना तो सबसे जरूरी है। और कुछ दिनों से आप लोग बिल्कुल भी हमारे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो यार ऐसा मत करो भाई, समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो यार डोरेमोन के 6 मिनट का ये एपिसोड 1979 में पहली बार टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया गया था और ये एपिसोड हिंदी में भी अवेलेबल है। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सुनियो नोबिता को काफी ज्यादा परेशान करता है, फिर नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास गैजेट मांगने को जाता है। गाइस इस पूरे एपिसोड में एक बात काफी ज्यादा अजीब है कि हमें कहीं पर भी जियान को नहीं दिखाया गया है। अब नोबिता रोते रोते डोरेमोन के पास जाता है और कहता है कि सुनियो मुझे काफी ज्यादा परेशान करता है और तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ये बात सुनकर डोरेमोन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो भागते भागते सुनियो के पास जाता है और कॉजिंग कैमरा नाम का अपना एक गैजेट निकालता है। अब यहाँ पर वो काफी सोचने पर जाता है कि इसे यूज किया जाए कि ना किया जाए, और काफी सोचने के बाद वो इस डिसीजन पर पहुँचता है कि इस गैजेट को यूज ना किया जाए और वो वापस लौट जाता है। यह एपिसोड में आगे दिखाते हैं कि डोरेमोन घर आकर वापस से सो जाता है, फिर नोबिता वहाँ आता है और डोरेमोन की पॉकेट से वो गैजेट को निकाल लेता है। अब नोबिता उस कैमरे से जो कि डोरेमोन का गैजेट है उससे डोरेमोन की एक फोटो खींचता है, और फोटो खींचने के बाद नोबिता को एक जोरदार शॉक लगता है। फिर उस कैमरे के नीचे का ढक्कन खुलता है और उसमें से यार एक छोटा सा डोरेमोन का प्यारा सा डॉल निकलता है। तभी नोबिता को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या चीज है। फिर नोबिता उसी कैमरे से अपने मम्मी पापा की एक एक फोटो खींचता है, फिर उस कैमरे से उन दोनों के जैसी ही एक डॉल निकलती है। फिर यार हमारा प्यारा नोबिता काफी देर तक सोचने के बाद उसे एक आइडिया आता है, क्यों ना इस डॉल को शिज़ुका को गिफ्ट कर दिया जाए, और वह अच्छे से यार इसे गिफ्ट रैप करा के शिज़ुका को देने चला जाता है और शिज़ुका भी काफी खुशी खुशी उस प्रेजेंट को ले लेती है। फिर घर जाके यार जब नोबिता डोरेमोन को बताता है कि मैंने इस गैजेट को यूज किया है, तब यार डोरेमोन काफी ज्यादा ही शॉक हो जाता है और नोबिता से उस कैमरे को ले लेता है और नोबिता को बताता है कि यह कैमरा काफी ज्यादा ही खतरनाक है, इसीलिए मैं इसे यूज नहीं कर रहा था। फिर डोरेमोन नोबिता को बताता है कि इस कैमरे को कैसे यूज किया जाता है। सबसे पहले इस कैमरे से किसी की फोटो खींचो, फिर यह कैमरा उस इंसान की एक प्यारा सा गुड्डा बनाकर दे देता है, फिर जैसे जैसे तुम उस गुड्डे को परेशान करोगे ठीक वैसा ही दर्द उसको होगा जिसका वो गुड्डा है। अगर किसी ने उस गुड्डे के साथ बहुत ही गलत किया तब यार सोचो क्या होगा हमारे साथ। फिर जल्दी से वो दोनों शिज़ुका के पास वो गुड्डा लेने चले जाते हैं। फिर शिज़ुका उन दोनों को बताती है कि वो गुड्डे मैंने जियान की बहन जैफू को दे दिया है। फिर यह सुनने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं और इधर उधर जियान की बहन को ढूंढने लगते हैं। इसी बीच डोरेमोन को कुछ अजीब अजीब सा महसूस होने लगता है, जैसा कि उसे कोई आड़ी से काट रहा हो और हथौड़ी से पीट रहा हो। फिर यार एपिसोड में आगे दिखाया जाता है कि जियान की बहन और हमारे परमन की बहन उस गुड्डे के साथ डॉक्टर डॉक्टर खेल रहे होते हैं, और इसी बीच वहाँ पर सुनियो आ जाता है और काफी बुरी तरह से उस गुड्डे के साथ खेलने लगता है। काफी देर तक ढूंढने के बाद नोबिता की नजर उस गुड्डे पर पड़ जाती है और जल्दी से वो सुनियो से उस गुड्डे को ले लेता है और नोबिता डोरेमोन को बचा लेता है। लेकिन वो दोनों पूरे एपिसोड में अपने मम्मी और पापा के गुड्डे को नहीं ढूंढ पाते हैं, और एपिसोड की आखिरी में दिखाया जाता है कि नोबिता और डोरेमोन सुनियो के साथ भी एक छोटा सा प्रैंक करते हैं जिससे सुनियो का भरी भीड़ में मजाक उड़ जाता है, और यहीं पे हमारे एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप गाइस कि तुम लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आगे भी ऐसी ही वीडियोस को देखना चाहते हो तो अभी कमेंट सेक्शन में बता दो। और एक और बात कि इस एपिसोड का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो तुम लोग जाकर देख सकते हो। ये खासकर उन लोगों के लिए है जो यार वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं। और जाते जाते यार इस वीडियो को लाइक कर देना।